आज की मूवी में हम एक ऐसे डॉक्टर को देखेंगे जो कि अपने पेशेंट को ठीक करने के बजाय उन्हें अजीब तरीकों से मार देता है। ये डॉक्टर इतना पागल होता है कि मरने के बाद भी ये लोगों को मारना नहीं छोड़ता एंड एक बुरी आत्मा बन के लोगों को सताता है एंड उन्हें मारता भी है। बट क्या इस बुरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी या वो लोगों को ऐसे ही मारना जारी रखेगा, ये जानने के लिए पूरे वीडियो को देखिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सो मूवी के स्टार्टिंग में एरियल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे उसकी सिस्टर सारा बहुत सारे मिस कॉल्स एंड मैसेजेस करती है। जब एरियल वॉइस मेल को चेक करती है तो सारा उससे कहती है कि उसे एरियल से बहुत ही जरूरी बात करनी है, बट एरियल उसे कॉल नहीं करती और ऑफिस चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर हैमर को देखते हैं जो कि एक स्पीच में कहते हैं कि बहुत समय पहले एंजल और डेविल का एक ही विजन था, बट चर्च पावरफुल हो जाने की वजह से शैतान और वेपोमेट के पुजारियों को अंडरग्राउंड होना पड़ा था। इस वजह से वेपोमेट की स्टैचू भी गायब हो गई थी एंड प्रोफेसर कई सालों से वो स्टैचू ढूंढ रहा है। हमें पता चलता है कि प्रोफेसर हैमर एंड उनके मिचेल नाम के एक स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा है। तभी उनका एक स्टूडेंट काइल वहां आकर उन्हें सारा के बारे में बताता है। दूसरी ओर एरियल एंड उसके बॉयफ्रेंड पॉल को भी दिखाया जाता है। एरियल को पता चलता है कि उसकी सिस्टर सारा ने सुसाइड कर लिया है। इस बात से एरियल बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि सारा ने उससे बात करने की कोशिश की थी बट एरियल ने उसे इग्नोर कर दिया था। एरियल पॉल के साथ सारा के घर जाती है क्योंकि वो सारा के सुसाइड करने की रीजन जानना चाहती थी। जब वो दोनों उसके घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सारा ने हीला उसके बारे में बहुत सारी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वॉल में लगा रखी थी। इसे देख के सारा पॉल को कहती है कि सारा 8 साल पहले हिल हाउस के मैसेकर से अकेली बच गई थी क्योंकि उसे लगता था कि उस हाउस में घोस्ट रहते हैं एंड उन्होंने ही सबको मारा है। तभी एरियल को सारा का घोस्ट दिखाई देता है जिससे अचानक से एक गोली लगती है एंड वो उससे कहती है कि तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। इसके बाद सारा की घोस्ट गायब हो जाती है। ये देख के एरियल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर हैमर आते हैं एंड वो कहती है कि सारा ने 2 हफ्ते पहले उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी क्योंकि वो वेपोमेट की स्टैचू को ढूंढ रहा है एंड सारा को इस बारे में शायद कुछ जानकारी थी एंड उस स्टैचू को ढूंढने के लिए सारा उनके साथ हील हाउस में जाने वाली थी। ये बात एरियल को बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि वो एक बार मरने से बचते हुए उस हाउस से बाहर आई थी एंड अभी वो अगेन उस घर में जाने वाली थी। सो एरियल को प्रोफेसर की बात झूठ लगती है। सो प्रोफेसर हैमर कहते हैं सारा का कोई पीछा कर रहा था क्योंकि उस स्टैचू के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर है। इसके बाद पॉल एंड एरियल घर की ओर जाने लगते हैं एंड जाते वक्त सारा के मेल बॉक्स से सारे लेटर्स एंड पार्सल्स भी ले जाते हैं। जब एरियल घर पहुंचते तो वो उन चीजों को चेक करती है तो उसे सारा के द्वारा भेजा गया एक पार्सल भी मिलता है जिसमें एक डायरी होती है। लेकिन इससे पहले वो डायरी को पढ़ पाती कोई उसके डोर में नॉक करता है एंड उसे लगता है कि डोर के बाहर पॉल होगा। सो वो बिना सोचे समझे डोर को ओपन कर देती है बट डोर पे डेस्मोंड एंड उसके गैंग मेंबर्स थे जिन्होंने पॉल को पकड़ रखा था एंड इसी दौरान एरियल के हाथों से वो डायरी भी नीचे गिर जाती है। अब एरियल को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि सारा ने सुसाइड नहीं किया था, डेस्मोंड ने उसे मारा है। अब गुस्से में एरियल डेस्मोंड के ऊपर झपट पड़ती है और वो डेस्मोंड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसके बाद डेस्मोंड उसे कहता है कि उसने सारा से स्टैचू ढूंढने के लिए कहा था बट सारा ने इस बात के लिए साफ इनकार कर दिया था इसीलिए उसने उसको मरवाया था। डेस्मोंड एरियल को धमकी देता है स्टैचू ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए, नहीं तो डेस्मोंड एरियल को भी मार देगा। देन हम प्रोफेसर हैमर को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट मिचेल एंड काइल के साथ उसे हील हाउस में पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर डेस्मोंड भी पॉल एरियल एंड अपने गैंग मेंबर्स के साथ उस हाउस में पहुंच जाते हैं। डेस्मोंड एरियल को उसके साथ घर के अंदर जाने के लिए कहता है बट एरियल इस बात से मुकर जाती है तो डेस्मोंड पॉल को मारने की धमकी देने लगता है तो एरियल को उसकी बात माननी पड़ती है। देन डेस्मोंड सैमुअल को पॉल के ऊपर नजर रखने के लिए छोड़कर बाकी लोगों के साथ घर के अंदर चला जाता है। अब अंदर जाकर उनकी मुलाकात प्रोफेसर हैमर एंड उनके स्टूडेंट्स के साथ होती है। हैमर और बाकी सब उन्हें देख के चौंक जाते हैं। देन हम देखते हैं कि डेस्मोंड के पास सारा की डायरी थी जो उसने सारा के घर से उठा लिया था। वो डायरी प्रोफेसर हैमर को दिखाता है। प्रोफेसर सरप्राइज होकर उससे पूछते हैं कि उसे स्टैचू के बारे में कैसे पता चला। देन एक और राज खोलता है कि मिचेल डेस्मोंड से मिली हुई है एंड उसने अब तक प्रोफेसर का इस्तेमाल किया है सारे इंफॉर्मेशन को पाने के लिए। इसी मौके का फायदा उठाकर एरियल वहां से भागने की कोशिश करती है पर डेस्मोंड की एक गैंग मेंबर उसे पकड़ लेती है। देन पूरा घर लॉक हो जाता है एंड सारे लोग परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली ये घर एक हॉस्पिटल था एंड डॉक्टर वेंकट नाम का एक डॉक्टर हॉस्पिटल को चलाता था।
एंड यहाँ पे मेंटल पेशेंट्स के इलाज किया जाता था। एंड पेशेंट्स यहाँ से भाग ना जाए इसलिए इस जगह को ऐसा बनाया गया था कि ये जगह खुद ब खुद लॉक हो सकती है। सो डेस्मिन उन्हें कंट्रोल रूम में जाने के लिए कहता है जहाँ से वो घर को अनलॉक कर सकते हैं। वहाँ जाकर वो लोग चल रहे मशीन में शूट करने लगते हैं एंड मशीन को रोक देते हैं। दूसरी ओर डेस्मिन के हाथ में इस घर की मैप थी जो उसे उस डायरी से मिली थी। वो उन लोगों को अलग अलग जगह जाकर चेक करने के लिए कहता है ताकि उस स्टैचू को ढूंढा जा सके। देन हम जैक्सन को देखते हैं जिसे वॉल में कुछ महसूस होता है। सो वो उस वॉल को तोड़ने लगता है एंड वॉल से एक खतरनाक टेंटिकल बाहर आता है जो कि उसके पेट में घुस जाता है। इसी दौरान उसे एक विजन आती है कि कैसे उस पेशेंट को डॉक्टर वेंकट ने मार दिया था। डॉक्टर वेंकट ने उस पेशेंट को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। देन उस पेशेंट की आत्मा उसकी सारी इंद्रियां बाहर निकाल लेता है एंड देन उसे दीवार के अंदर खींच लेता है एंड दैट्स हाउ जैक्सन की मौत हो जाती है। इसके बाद हम हीरो को देखते हैं जो एक रूम के अंदर पहुंच जाती है एंड वहां उसे दो लड़कियां मिलती है जो उसे सड्यूस करने लगती है। देन उसे एक विजन आती है कि कैसे डॉक्टर वेंकट ने उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करके मार दिया था। सो अब उन दो खूबसूरत लड़कियों की जगह उसे दो खतरनाक आत्माएं दिखाई देती है। सो वो अब डर के भागने लगती है एंड उसके सामने डॉक्टर वेंकट आ जाता है। वो हीरो के चेहरे को बहुत बुरी तरह काट कर उसे मार देता है। देन हम डेस्मन एंड एरियल को देखते हैं। डेस्मन नॉरिस को कॉल करता है एंड उन लोगों को मेन रूम में आने के लिए कहता है। देन वो जब बाकी लोगों को कॉल करने की कोशिश करता है तो उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि एक एक करके सारे लोग मर रहे थे। उसी समय एक डोर ओपन होता है एंड एरियल को कोई अनजान शक्ति घसीटते हुए एक रूम के अंदर ले जाती है। उस रूम में एरियल को एक आदमी दिखाई देता है जो उसे विजन में दिखा था कि डॉक्टर वेंकट पेशेंट्स को टॉर्चर करने लगा था एंड उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी बट वो नाकाम हुआ था। इसके बाद एरियल डर के बहुत तेज चीखने लगती है एंड उसे बिलीव हो जाता है कि उसकी बहन बिल्कुल सच कह रही थी कि सच में इस घर में घोस्ट रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सैमुअल और पॉल को देखते हैं। अब सैमुअल के पास डेस्मोन का कॉल आता है जो उसे अंदर आने के लिए कहता है पर डेस्मोन ने ऐसी कोई कॉल नहीं की थी। बट फिर भी सैमुअल पॉल के साथ अंदर चला जाता है। शायद ये कॉल उन आत्माओं ने ही किया होगा उन दोनों को अंदर लाने के लिए। देन हम नॉरिस और काइल को देखते हैं जो मेन रूम में वापस आ गए थे। तभी उन्हें महसूस होता है कि सोफा के अंदर चादर के नीचे कुछ हिल रहा है। तो नॉरिस चादर को उठाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी वो चादर खुद ब खुद नॉरिस की बॉडी से लिपट जाती है एंड उसे हवा में उठा देती है। एक्चुअली ये सब कुछ वहाँ मौजूद आत्माएं कर रही थी। काइल उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है बट वो लोग उसे उठा के दूर फेंक देते हैं एंड नॉरिस की बॉडी को बहुत बुरी तरह खींचने लगते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस नजारे को देखकर काइल चीखने लगता है एंड उसकी आवाज सुनकर सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं एंड मशीन अगेन स्टार्ट हो जाती है जिससे पूरा घर अगेन लॉक हो जाता है। बट इस दौरान एरियल वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है और जब वो गाड़ी तक पहुंचती है तो वो देखती है कि पॉल वहां पर नहीं था एंड उसे पता चलता है कि सैमुअल उसे लेकर घर के अंदर चला गया है। सो अब वो गाड़ी के अंदर से गन निकालती है एंड हम देखते हैं कि उसके लिए घर का दरवाजा खुद ब खुद ओपन हो गया था। ये देख के वहाँ रहे सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं। एरियल उन्हें पता थी कि ये घर उसे अंदर लाना चाहता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सैमुअल को एक नर्स की गोस्ट व्हील चेयर में बैठा कर घुमा रही होती है एंड देन वो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है एंड वहां पर डॉक्टर वेंकट उसके दिमाग को बाहर निकाल के उसे मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में एरियल एंड डेस्मन एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं एंड एक दूसरे को मारने की धमकी देने लगते हैं। बट इससे पहले वो एक दूसरे को शूट करते बाकी लोग उनसे गन छीन लेते हैं एंड उन्हें समझाते हैं कि इस समय उनका लड़ना ठीक नहीं है। अब सब मिलकर मैप में स्टैचू तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। काइल उन्हें स्टैचू तक पहुंचने का रास्ता बताता है बट एरियल कहती है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना है लेकिन कोई भी यहाँ से निकलना नहीं चाहता था। सो एरियल कहती है कि वो और पॉल यहाँ से निकल जाएंगे एज उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है। सो इसके बाद हैमर और बाकी लोग भी उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। जहाँ रास्ते में डॉक्टर हैमर उन लोगों को वेंकट के बारे में बताता है। वेंकट बहुत ही अच्छा फिजिशियन था एंड उसका नाम नोबेल प्राइज के लिए सिलेक्ट किया गया था बट बाद में वो लोगों को बचाने की वजह उन्हें मारने लगा था एंड ये सब कुछ उस स्टैचू की वजह से हुआ है एज ऐसा चर्च का कहना था।
क्योंकि स्टैचू के अंदर की शैतानी शक्तियों ने उसे कंट्रोल कर लिया था एंड वो यहाँ रहे दूसरे पेशेंट को मारने लगा था। अब वो चलते चलते हाइड्रो पूल मशीन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ा पूल होता है एंड वेंकट इस पूल में पेशेंट्स का इलाज करता था। तभी डेस्मन डॉक्टर हैमर से गन छीनने की कोशिश करता है, सो काइल उन्हें रोकने जाता है तो वो उसे नीचे पूल में धकेल देता है। इसके बाद एरियल काइल को बचाने के लिए पूल के अंदर जंप करती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी उस पूल में बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती है और जब वो लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो डेड बॉडीज जिंदा हो जाती है एंड उनमें से एक गोस्ट काइल को एक विजन दिखाती है। डॉक्टर ने उसे टॉर्चर करने के बाद इस पूल में फेंक दिया था। इसके बाद वो गोस्ट काइल को नीचे खींच लेती है। एरियल उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है बट वो कामयाब नहीं होती एंड काइल की मौत हो जाती है। देन वो बहुत मुश्किलों से पूल से बाहर निकल आती है। देन हम डेस्मन एंड रचेल को देखते हैं। डेस्मन को लगता है कि रचेल असली नहीं है, वो भी एक घोस्ट है, जिस वजह से वो उसे गन से शूट करने की कोशिश करने लगता है। रेचल उसे समझाने की कोशिश करती है पर जब वो उसे शूट करने लगता है तो रेचल वहाँ से भाग जाती है एंड एक दूसरे रूम में पहुंच जाती है। वो देखती है कि सारे फर्नीचर हवा में फ्लोट कर रहे थे। देन अचानक से सारे फर्नीचर नीचे गिरने लगते हैं। अब भागने की कोशिश में वो नीचे जमीन में गिर जाती है। तभी उसे डॉक्टर वेंकट दिखाई देता है। देन ऊपर लटक रहा एक फ्रिज आकर रेचल के सर के ऊपर गिरता है, जिस वजह से बहुत बुरी तरह उसकी मौत हो जाती है। देन हम प्रोफेसर हैमर, एरियल एंड पॉल को देखते हैं, जहाँ एरियल को एक शिवर मिल गई थी बट वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि शिवर के एंट्रेंस में आयरन रॉड लगे हुए थे। तभी उस शिवर से दो हाथ निकलते हैं एंड एरियल को एक विजन दिखाती है। एरियल को फिर से उसी आदमी का विजन आता है एंड वो आदमी उससे कहता है कि उसे उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करना होगा एंड इसी दौरान उसे उस स्टैचू की एक झलक दिखाई देती है। देन एरियल हैमर एंड पॉल को बताती है कि वो लोग यहाँ से तब तक नहीं निकल सकते जब तक वो स्टैचू को ढूंढ ना ले एंड अगर उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो उन्हें उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी इस घर से बंधी सारी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। अब ये लोग स्टैचू तक पहुंच जाते हैं। एरियल स्टैचू को शूट करने लगती है बट स्टैचू का कोई नुकसान नहीं होता। ये देखकर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। इस पर एरियल कहती है कि सारी आत्माएं इस स्टैचू से जुड़ी हुई है तो अगर वो इस स्टैचू को यहाँ से हटा दे तो शायद आत्माएं भी आजाद हो जाएंगी। देन वो पॉल की मदद से उस स्टैचू को निकाल लेती है। देन वो दोनों स्टैचू को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके सामने डेस्मन आ जाता है जो उनसे स्टैचू मांगने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस स्टैचू को छीन पाता उस पर बहुत सारी आत्माएं अटैक कर देती है जिन्हें डॉक्टर वेंकट ने जिंदा जला दिया था और वो सारी आत्माएं डेस्मन को भी जिंदा जला देते हैं। इसके बाद वो लोग वहां से भागने लगते हैं पर पॉल गिर जाता है एंड एरियल उसे बचाने की कोशिश करती है बट वो उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है एंड उसी तरफ भागता है जहाँ से वो सारे लोग आए थे। दूसरी ओर एरियल जब उस स्टैचू को गटर में डालने वाली होती है तो हैमर उसे रोकता है। वो इस स्टैचू को पिछले 20 सालों से ढूंढ रहा है। अब इतने नजदीक आकर वो इस मौके को खोना नहीं चाहता है बट एरियल उसे बहुत समझाती है उन्हें स्टैचू को डिस्ट्रॉय करना होगा नहीं तो वो दोनों भी मारे जा सकते हैं। प्रोफेसर हैमर उस पर हमला कर देते हैं एंड तभी शावर से खून की बारिश होने लगती है एंड वहां पर रही सारी आत्माएं उनको घेर लेते हैं। तभी एरियल हैमर को अटैक करती है एंड स्टैचू को गटर में फेंकने वाली होती है बट वहां पर डॉक्टर वेंकट आ जाते हैं जो उसे उठा के फेंक देते हैं। फिर जब प्रोफेसर हैमर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसका गला पकड़कर दीवार में उसका सर पटकने लगते हैं एंड उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। पर तभी एरियल उस स्टैचू को गटर में फेंक देती है एंड वहां रही सारी आत्माएं भी आजाद हो जाती हैं एंड इस घर का लॉक अगेन ओपन हो जाता है। तभी पॉल सही सलामत एरियल के पास आता है। देन वो दोनों वहां से बाहर निकल आते हैं। एरियल पॉल को कहती है कि इस घर में जो वैपोमैट था वो 50 सालों से इस घर में कैद था एंड अब वो आजाद हो चुका है। देन वो दोनों वहां से निकल जाते हैं एंड ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।